लोकसभा चुनाव 2024 चुनावी विश्लेषण के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार के लिए एक साल पूरा हो चुका है 2019 से 2020 तक। इस 2020 के सफर में किस प्रकार से जनता का मन किस पार्टी के पक्ष में आ रहा है, क्या 2024 में एक बार फिर से सरकार बना पाएगी बीजेपी और एक बार फिर से पीएम मोदी ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, क्या कहता है सरकार के लिए आंकड़ा, क्या वनवास पर गई कांग्रेस की होगी वापसी, 2024 के लिए क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। 543 सीटों में से 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे देश के अंदर बनती है और तय करता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेंगे, आखिरकार कौन जीतेगा 2024 की गद्दी। लॉकडाउन के पहले इस सर्वे कई बड़े राज्यों में किया गया था, जिनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिन पर ये सर्वे किया गया। उसके बाद देश के अंदर 2024 के आंकड़े क्या निकलते हैं, लेकिन 2020 के लिए जो एक साल पीएम मोदी का हुआ है उसमें कई तरह के ऐसे जो काम हुए हैं और जिस प्रकार से हाल ही में जो हमारे देश के अंदर महामारी थी उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है उस पर जनता की राय क्या है। फिलहाल जो यहाँ पर मोदी सरकार ने एक साल के भीतर जो काम किए हैं उसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। किसान सम्मान निधि योजना से लेकर आयुष्मान कार्ड की बात करें या कई तरह की और भी योजनाएं लागू की हैं, तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना से 9.50 करोड़ रुपए का लाभ किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 15 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन चलाया। पशुधन के लिए मुफ्त टीकाकरण, इसके अलावा आवास योजना हाल ही में, और यहाँ पर उज्ज्वला योजना की बात करें, आकांक्षाओं की पूर्ति की है। एक साल में फैसले सपनों की उड़ान है। सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, और धारा 370 हो, राम मंदिर हो, तीन तलाक उपलब्धियां, नागरिकता संशोधन कानून उपलब्ध है, ऐतिहासिक निर्णयों से अनेक बदलाव देश के अंदर हुए हैं। तो कुछ ऐसे कारनामे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक साल के दौरान ये कुछ बड़े काम किए हैं इसके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जनता का मन क्या है इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से सभी राज्यों के लिए जनता का मन है और 2024 में किसकी बनेगी सरकार, इसके भी आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो देश के अंदर महामारी थी उस दौरान जनता को यहाँ पर जागृत करने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए थे, जिनमें थाली बजाओ या दिया जलाने से लेकर जो यहाँ पर नौसेना ने भी सम्मान हमारे देश के डॉक्टर या जो सफाई कर्मचारी उनको हौसला अफजाई की थी। लेकिन इसके अलावा देश की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है जिससे हर एक वर्ग को लाभ मिलेगा, इसका असर भी आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा, जिनमें बिहार का चुनाव भी आने वाला है, 2020 में होगा, इसके बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के भी चुनाव बहुत जल्द होंगे, उस पर काफी महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है, प्रवासी मजदूर भाई बहन ने जो कष्ट सहा है उसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कष्ट को यहाँ पर पहचाना है और जाना है कि मजदूरों को और जो प्रवासी हैं या कई जो छोटे उद्योग करता है या जो घर पर ही रहते हैं, जो दिनचर्या के रूप में हर दिन कमाते खाते हैं, उनको लेकर जो कष्ट हुआ है उसको यहाँ पर संवेदना व्यक्त की है। तो क्या होगा 2024 के लिए, इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको थोड़े से पीछे के दिखाते हैं, किस प्रकार से मोदी जी का सफर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद, किस प्रकार से विकास देश के अंदर हुआ है और पार्टी ने भी विकास किया है इस पर भी कोई दौरा ही नहीं। देखिए 2014 में सिर्फ 7 राज्यों पर काबिज बीजेपी, 2015 में 13 राज्यों पर पहुंच गई, क्योंकि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर पीएम बने हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी विकास हुआ है, ना सिर्फ देश का विकास बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी एक नई पहचान पहुंची है, राष्ट्रीय लेवल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पार्टी की छवि बनी है। 2016 में 15 राज्यों पर और 2017 में बीजेपी की सत्ता बढ़कर 19 राज्यों तक पहुंच गई। ये सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के ही बदौलत थी कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में काबिज हो पाई, लेकिन 2018 तक मतलब बीजेपी 21 राज्यों पर काबिज हो पाई। लेकिन 2018 के बाद जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी सरकार, एनडीए ने सरकार बना ली, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर बीजेपी को उन राज्यों में नुकसान हुआ है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर बात करें तो दिल्ली,
इसके अलावा झारखंड में भी यहाँ पर नुकसान हुआ है और महाराष्ट्र में तो सरकार बनाने के आंकड़े मिल चुके थे, लेकिन शिवसेना ने पलटी मारी और उस कारण से बीजेपी ने सरकार नहीं बना पाई। लेकिन क्या कहते हैं आने वाले चुनावों के लिए, उसके भी आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। 2019 चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 330 सीटें मिली। अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन 2024 में क्या होगा इसके भी आंकड़े यहाँ पर निकले। फिलहाल अगर मोदी सरकार के कामकाज की बात करें तो उनके कामकाज से लोग किस प्रकार से संतुष्ट हैं, इसके आंकड़े लॉकडाउन के पहले के हैं इसके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत संतुष्ट जो लोग हैं मोदी सरकार के कामकाज से वो है 26%, जबकि संतुष्ट हैं 36%। अगर दोनों का आंकड़ा निकाल लिया जाए ये आंकड़ा काफी बढ़ जाता है और यही वो कारण है कि मोदी सरकार के पक्ष में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनसे ना संतुष्ट ना खुश लोग जो हैं वो 20%, असंतुष्ट लोग 9%, तो बहुत असंतुष्ट 4% लोग हैं, यानी 13% ही उनसे ना कुछ लोग नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज से। जिस प्रकार के आंकड़े यहां पर एक साल के दौरान कई ऐसी योजनाएं हैं, कई तरह के ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं देश के अंदर, उससे साफ जहर लगता है। लेकिन 2019 लोकसभा के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। बीजेपी 303 सीटें हासिल हुई और उनका गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसको 353 सीटें हासिल हुई, जिस कारण से ये गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे गठबंधन हैं जो कि टूट चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा गठबंधन शिवसेना महाराष्ट्र में है और ये गठबंधन टूटा है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होगा। इसके अलावा एलजेपी पार्टी है या आरसू पार्टी है, कुछ और भी पार्टी ऐसी हैं जो इस गठबंधन से अलग हो सकती हैं, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन यूपीए गठबंधन सिर्फ 92 सीटों पर ही सिमट चुका है, लेकिन 2024 में ये कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अदर की बात करें तो 97 सीटों तक ही उनको पहुंचने का मौका मिला है। अब बात कर लेते हैं 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, गठबंधन किस प्रकार के हो सकते हैं, किस पार्टी के साथ कौन सा गठबंधन चला जाता है। देखिए अगर बात करें तो अब एनडीए से शिवसेना एक बड़ा जो गठबंधन है वो अलग हो चुका है, उसका खामियाजा आप कह सकते हैं कि बीजेपी एनडीए को महाराष्ट्र से हो सकता है। इसके अलावा कई और भी ऐसी जो दल हैं वो अलग हो सकते हैं। अगर एसपी बीएसपी आरएलडी टीडीपी और आईएनएलडी पीवीटी यूपीए में शामिल हो जाते हैं तो यूपीओ का जो उछाल है वो भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी यानी टीएमसी, इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपीए में आ जाते हैं तो फिर जो यूपीए का आंकड़ा है वो बहुमत पार कर सकता है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं कि शिवसेना एनडीए से बाहर अगर जा रहा है तो एनडीए को नुकसान हो रहा है साफ तौर पर, ये माना जा रहा है। 200 यहाँ पर कह सकते 72 सीटों का आंकड़ा किस पार्टी को मिलेगा। देखिए अगर शिवसेना एनडीए से बाहर होकर अन्य में शामिल हो जाता है तब के आंकड़े बनते हैं, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस के साथ चला जाता है तो फिर कांग्रेस को तो फायदा होगा, लेकिन अन्य में चला जाता है तो अन्य के आंकड़े देखें आप, 212 तक अन्य पहुंच रहा है, क्योंकि अन्य में कोई अन्य दल भी यहाँ पर सामने आ जाएंगे, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी 271 सीटें जो बहुमत का आंकड़ा है वो आंकड़ा प्राप्त करती नजर नहीं आ रही है शिवसेना। इसके अलावा कुछ और दल अगर वो अन्य में चले जाते हैं तभी आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी तृणमूल कांग्रेस शिवसेना यूपीए में शामिल हो जाते हैं तब आंकड़ा आप देखिए क्या बनता है। यूपीए 230 सीटों तक पहुंच रहा है, 137 सीटों का इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो एनडीए को 264 सीटों का तक ही वो पहुंच रहे हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आंकड़ा 272 का है वो छूती नजर नहीं आ रही। अगर इस प्रकार के आंकड़े बन जाते हैं, ये जो बड़े दल हैं वो अगर एक साथ यूपीए में चले जाते हैं तब ये आंकड़े बनते हैं, अगर ये यूपीए में नहीं जाते हैं तो बहुमत एनडीए को 2024 में एक बार फिर से होगा, ऐसा भी अनुमान है। अन्य के खाते में 49 सीटें तक ही पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी यूपी में शामिल होते हैं तो आप वोट परसेंटेज भी देख सकते हैं, यूपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। ऐसे जो आंकड़े लॉकडाउन के पहले सर्वे किया गया था वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर एनडीए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जो पार्टी अपने दम पर अगर रखती है चुनाव, यूपीए में नहीं जाती है, जिसमें एसपी बीएसपी आरएलडी टीडीपी और आईएनएलडी ये पार्टी यूपी में शामिल नहीं होती हैं, तब एनडीए जो है
282 सीटों तक पहुंच रहे हैं। अपना सरकार बचाने में मोदी सरकार एक बार फिर से सफल हो रहे हैं। 2024 में कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनेगी आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन अगर दल सभी दल इकट्ठे हो जाते हैं तो यूपीए भी जो है आंकड़ा बहुमत का उसको पार कर सकती है और कह सकते हैं कि 49 सीटों पर जा सकती है। इस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा जो सर्वे किया गया था वो किया गया था एबीपीसी वोटर ने, जो लॉकडाउन के पहले किया गया था। उसमें आप देखें एनडीए 230 सीटें आज के वक्त चुनाव, मतलब लॉकडाउन के पहले का आंकड़ा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ बदला है मिजाज। क्या है जनता का मूड और प्रवासी मजदूर हो या कुछ अन्य विपक्ष अब सवाल उठा रहे हैं, तो आंकड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन 2019 में 353 से घटकर 230 तक तो पहुंच रहा है, क्योंकि इससे शिवसेना अलग हुई है। इसका साफ तौर पर नुकसान एनडीए को हो रहा है। यूपीए 130 अगर जो लॉकडाउन के पहले का समय था उस वक्त का आंकड़ा है, और 96 सीटें जो पहले 2019 में आंकड़ा था, और अन्य जो है 83 और 2019 में 93 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है 2024 में किसकी होगी जीत और एनडीए यूपीए अन्य को कितनी सीटें जा सकती हैं? क्या एनडीए से अलग होकर ही शिवसेना यूपीए में चली जाएगी या फिर शिवसेना अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यूपीए से भी नहीं वो हाथ मिलाएगी, अन्य के साथ भी नहीं जाती है, या फिर क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अच्छा नेता मानते तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।